नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें अपन ने पिछले वीडियोस में कुछ रिएक्शंस पढ़ने थे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के, और ल्यूकास टेस्ट लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उससे आगे की कुछ पढ़ेंगे रिएक्शंस, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो वाले रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें अपन पढ़ रहे हैं पहले रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स या PX3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अल्कोहल की जब रिएक्शंस होती है फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स के साथ, ठीक है, तो बनेंगे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, एल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ भी रिएक्शन शो होती है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ भी रिएक्शन शो होती है, जिससे भी अपने को क्या मिलेगा, जिससे अपने को क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन कैसे हो रही है इसको अपन देख सकते हैं, जैसे R O और H, ठीक है, और यहाँ पे आपको बनाने हैं PCl5, Cl, Cl और नीचे 3 Cl, है ना, PCl5। तो ये वाला प्रोडक्ट अलग से, ये वाला प्रोडक्ट अलग से, तो यहाँ से बन जाएंगे RCl प्लस MCl प्लस POCl। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये अपनी फर्स्ट रिएक्शन हो जाती है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स, और इनसे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ऑलवेज प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हेलो एल्केन, या इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद अपनी सेकंड रिएक्शन आती है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, इसको इस तरीके से लिखा जाता है SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड होता है। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, RCl, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, उसके अलावा SO2 एंड HCl। ठीक है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट कौन सा है, एल्काइल हैलाइड या RCl। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे होता है, ये रिएक्शन अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे R O और H, और देन ये हो गया आप में थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड में ये प्रोडक्ट अलग से बनेगा और ये प्रोडक्ट अलग से बनेगा, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स होंगे, RCl प्लस HCl प्लस SO2, जो कि एक गैसेस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये दोनों ही रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती है, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स एंड रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। अब सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है और यहाँ पर ये रिएक्शन देखी जाती है। इसके बाद अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन आती है इस कैटेगरी में, वो आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल। वॉटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है एल्कीन्स। ठीक है, अल्कोहल से एल्कीन बनाने का मेथड है और यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे टॉपिक ना देके डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कंप्लीट द रिएक्शन, अल्कोहल की PBr3 के साथ रिएक्शन दे दी और आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूं और देन डिहाइड्रेशन स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इस पर ध्यान देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन को। ओके, अच्छा, इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। अब डिहाइड्रेशन को पढ़ना है, डिहाइड्रेशन बहुत ही अच्छा और लंबा टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर किस तरीके से होता है,
ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन के साथ OH होता है और पास वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और एल प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। जब भी अल्कोहल्स की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या S3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, मतलब कोई भी प्रोटिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि प्रोटॉन एज ए कैटलिस्ट काम करता है और ये क्या करता है, OH को, इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप बना देता है और ये OH यहां से चला जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इथेनॉल का जिस टाइम किया जाता है डिहाइड्रेशन, जब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपना बनेगा यहाँ पे इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये अपना यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा। और जबकि अदर केसेस जो होते हैं जिनमें जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, उनके केसेस में माइल्ड कंडीशंस यूज की जाती हैं, जैसे S3PO4 यूज किया जाता है। जैसे अपन बनाते हैं यहाँ पे CH OH और देन यहाँ पर CH3 एंड CH3। ठीक है, और S3PO4 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन तो यहाँ पे एक कार्बन से ये और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, तो ये अपने बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास एल्कीन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल ये मैंने बना दिया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया और उसके साथ वही H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये माइल्ड कंडीशन में होती है। एक आप OH यहां से निकाल दो और इन तीनों कार्बन में से कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो अपने पास मिलेगा ये एल्कीन। और ये यहां पे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने ये रिएक्शन पढ़ ली है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसे आगे कैसे पॉसिबल हो पाती है, तो मैकेनिज्म को सही से पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेंचेफ रूल, सेंचेफ रूल जो होता है वो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड करता है। आपको कुछ अल्कोहल के एग्जांपल ऐसे मिलेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, अब आखिर उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो अपने को सेंचेफ रूल बताता है। तो पहले अपन मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं, देन अपन सेंचेफ रूल को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म में थ्री स्टेप की मैकेनिज्म है इसकी, तो अपन जैसे जैसे मैकेनिज्म लिखते जाएंगे उसके साथ साथ ही स्टेप बताते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होता है जैसे आपके पास कौन सा अल्कोहल है, मान लो अपन इथेनॉल के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इथेनॉल है, ये बॉन्ड बना दी मैंने, अब ये इथेनॉल क्या करेगा, फर्स्टली यहां पे प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ये CH2 और ये यहां पे OH और 2, इसको बोला जाता है इस स्टेप को प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, इस स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहां पे अल्कोहल का प्रोटोनेशन ही हुआ है, ये H+ इस OH के साथ जाके जुड़ गया है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 ये CH2 एंड देन OH2। ऑक्सीजन पे आप जानते हैं कभी भी प्लस चार्ज स्टेबल नहीं रहता है, तो वो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बाहर निकल जाता है यहां से। यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH2 इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब ऐसे पॉजिटिव आयंस जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कार्बोकैटायन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन बन गया और इस स्टेप का नाम हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, ये स्टेप जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और स्लो होता है, और ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक है,
देन अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो ये अपने पास है कार्बन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, देन कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक प्रोटॉन जो है या जो एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और यहाँ बना लेता है कुछ इस तरीके से ये एल्कीन, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोटॉन बाहर आ जाता है। तो कैटलिस्ट स्टार्ट में प्रोटॉन था, लास्ट में प्रोटॉन है, कैटलिस्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने पास प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया एल्कीन, और इसको बोला जाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको डीप्रोटोनेशन बोला जाता है। तो ये तीन स्टेप होते हैं इस मैकेनिज्म के, फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड देन डीप्रोटोनेशन, और लास्ट में अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो थिंग आती है अब वो आती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेकंड स्टेप है जो कि स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो लिख सकते हैं अपन सेकंड स्टेप या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अच्छा, यहाँ पे इनके होने की जो टेंडेंसी क्या होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बोकैटायन। तो अच्छा, और कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये रिएक्शन होने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3, 2 and 1 degree। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो 3 degree कार्बोकैटायन होता है, 3 degree, देन 2 degree, देन 1 degree, ठीक है। 3 degree कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है ये भी देख लेते हैं ताकि अपने को कोई डाउट ना रहे। जैसे ये एक 3 degree कार्बोकैटायन है जिसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके आगे तीन ग्रुप और जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 3 degree पॉजिटिव स्टेबल होने का रीजन ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और तीनों ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं और ये स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। इसलिए 3 degree कार्बोकैटायन, 2 degree कार्बोकैटायन, देन 1 degree। तो अब इसके बेसिस पे अपन अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं। अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, 3 degree, 2 degree, 1 degree, देन मिथेनॉल, ओके। तो ये इनका अल्कोहल्स का ऑर्डर होता है। अल्कोहल्स का ऑर्डर कैसे आया वो अपने को पता चल चुका है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ पे सबसे मेन स्टेप है या मेजर पार्ट है जो कि यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि ये अपन ने पूरी पढ़ ली डिहाइड्रेशन, अब अपन यहाँ पे एक रूल पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है सैचेफ रूल, ठीक है। तो सैचेफ रूल स्टार्ट करते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ऑर्डर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं, डाउट को सॉल्व कर देंगे, ओके। अच्छा, सैचेफ रूल अब अपन अप्लाई करेंगे। तो सैचेफ रूल में मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि यहाँ पे देखो दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनता है, वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सैचेफ रूल। सैचेफ रूल, इसको सैचेफ रूल भी बोला जाता है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब मेजर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को अपन समझाएंगे कैसे, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अपन 2-butanol का। 2-butanol का एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो गया 1, 2
ये 3 एंड देन ये 4 है ना। 2 ब्यूटेनॉल का अपन यहां पे एग्जांपल लेते हैं और अब अपन यहां पे देखते हैं कि कंडीशंस क्या-क्या बन रही है। देखो OH तो इस कार्बन से रिमूव होना ही है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है, यहां पे कोई पता नहीं है हाइड्रोजन का। तो यहां पे क्या होगा, अपन क्या करते हैं दोनों के प्रोडक्ट बना देते हैं। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, फर्स्ट कंडीशन होने पे यहां और सेकंड कंडीशन होने पे यहां पे कौन-कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन होती है तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपके CH एंड CH3, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहां से OH रिमूव कर दिया। अगर सेकंड कंडीशन होती है तो यहां पे आपके प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन यहां पे देख सकते हैं कि कौन सी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें ज्यादा ग्रुप्स हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं कि यहां पे एल्कीन देंगे तो उसके एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड एक सब्स्टिट्यूट है बड़ा, जबकि आप इस एल्कीन को देखोगे तो यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन है और यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, फर्स्ट है। तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, फर्स्ट एल्कीन जिसको बोलते हैं 2-ब्यूटीन, ठीक है। 2-ब्यूटीन यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट रहेगा यहां पर माइनर प्रोडक्ट जिसको बोला जाएगा यहां पे 1-ब्यूटीन। अच्छा, अगर आपके पास जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है मेजर, अगर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, अगर ये प्रोडक्ट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है तब वहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ट्रांस होगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एक ज्योमेट्रिकल टाइप के आइसोमेरिज्म है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट इनकी जो अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, हालांकि अपने 12th लेवल का भी थोड़ा सा हायर है इससे, अगर आपका मेजर प्रोडक्ट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है तो वहां पर ट्रांस प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहां पर अपना ये जो मेजर प्रोडक्ट है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से कर रहा है बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, देन ये CH3 एंड देन ये CH3, ठीक है। ये भी इसका सही है, अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए, ये एक हाइड्रोजन एंड CH3 एंड CH3, तो ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में फॉर्मूला सेम है पर दोनों में अरेंजमेंट अलग है, जिसमें ये एक साइड होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम एक साइड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऊपर है, CH3 नीचे है, ये होता है सिस। और अगर दोनों ही एटम्स अलग अलग है ऊपर, ये देखो हाइड्रोजन एक दूसरे के डायगोनल है मतलब एक साइड में नहीं है, तो इसको बोला जाता है ट्रांस। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट, तो यहां पर ट्रांस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है सिस प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, सिस प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा हायर लेवल है, अपने को यहां तक याद रखना है और बाकी ये थोड़ा आपके नीट में IIT में इनमें काम आता है कि अगर आपके पास मेजर प्रोडक्ट 2-ब्यूटीन आ रहा है तो वहां पर भी सिस और ट्रांस दिए जाएंगे आपको और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, मेजर में भी कौन सा पोर्शन ज्यादा बनेगा, वो बनेगा ट्रांस, ठीक है। तो ये अपना डिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एल्कोहल्स का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन की कुछ रिएक्शंस हैं, देन विक्टर मेयर टेस्ट एंड लास्ट में जो एल्कोहल के यूजेज एंड ऑल हैं वो पढ़ेंगे। तो वो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।